एक जाबाज अफसर, एक ऐसा अफसर जिसने राजस्थान, सियाचिन, बांग्लादेश निर्माण और कश्मीर घाटी में अपनी बहादुरी और सूझबूझ से भारतीय तिरंगे की शान बढ़ाई, जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए 1962, 65 और 71 की लड़ाई जीतने में अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश निर्माण में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर की टीम के मुख्य किरदार लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक की। 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक भारतीय सेना में एक अहम किरदार बनकर उभरे थे। देहरादून के अपने बड़े से इस घर में बागवानी और बेहिसाब किताबों के बीच अपना समय गुजार रहे लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक की आंखें आज भी उन गौरवशाली यादों को जय भीम टीवी से साझा कर चमक उठती हैं। जय भीम टीवी पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान के दो नहीं, तीन टुकड़े कर देने चाहिए ओपी कौशिक। धारा 370 हटने से सुधरेंगे कश्मीर के हालात। कश्मीरी लीडरों की होती है बॉर्डर पार से फंडिंग, कौशिक। राज्य की सीमा सुरक्षा पर काम करने की है जरूरत। हिंद पाक युद्ध में अहम किरदार रहा है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कौशिक का। 15 साल कश्मीर घाटी में सेवाएं दी हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कौशिक ने। सियाचिन राजस्थान कश्मीर बॉर्डर के विशेषज्ञ हैं ओपी कौशिक। परम विशिष्ट, अति परम विशिष्ट, विशिष्ट सेवा मेडल मिला। अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कौशिक। नमस्कार, जय भीम टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। मेरा सीधा सवाल आज एक ऐसे शख्स से है जो बीते दो दिनों से सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि उत्तराखंड सैन्य धाम है। सैन्य धाम इसलिए है क्योंकि यहाँ का हर घर का बच्चा सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है और रिटायर होकर बहुत से ऐसे बड़े अधिकारी आकर देहरादून में बसे हैं जिनके पीछे एक बड़ा इतिहास है। लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक जी से हम बात करते हैं। अभी बीते दो दिनों पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की जहां उन्होंने एक बयान ऐसा दिया जिससे वो सुर्खियों में आ गए। सर, आपने एक बयान दिया है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कि पाकिस्तान के साथ अब ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन टुकड़े होने चाहिए। ऐसा बयान के देने के पीछे आपकी लॉजिक क्या है? देखिए, पाकिस्तान हमसे पांचवा हिस्सा है साइज में, उनकी आर्थिक स्थिति हमसे आठवां हिस्सा है, 1/8 साइज, 1/5, लेकिन 70 साल से तंग कर रहा है। हम चाहते थे कि शांति से उनके साथ रहें, लेकिन रह नहीं पाए भाई। 47-48 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, 73 की लड़ाई लड़ी, कारगिल की लड़ाई लड़ी, और अभी दिन रात वही समस्या चल रही है। एक छोटा सा टुकड़ा हमें इतना तंग कर रहा है। हर तरीके से हमने सुधारने की कोशिश की लेकिन सुधर नहीं रहा। फिर इलाज क्या है? इलाज मेरे विचार से यह है कि इस पाकिस्तान को तोड़ा जाए, और पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि वो अपने आप टूटेगा। हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, वो टूटेगा। सिंध में विद्रोह है, मुजाहिर वहाँ विद्रोह कर रहे हैं, बलूचिस्तान में विद्रोह है। बलूची पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे, उनको ज़बरदस्त मिलाया गया था। ऊपर पख्तून विद्रोह कर रहे हैं, पख्तूनिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहिए जाता था। तीनों विद्रोह कर रहे हैं और उनको मिलिट्री द्वारा दबाया जा रहा है। अगर उनको थोड़ी सहायता मिली तो इतना विद्रोह कर देंगे पाकिस्तान के काबू के बाहर हो जाएगा। और मेरा ख्याल ये है, यदि आप मदद ना करेंगे तब भी पाकिस्तान ज़रूर टूटेगा। यदि आप थोड़ी जल्दी करना चाहते हैं तो आप मदद कीजिए। वो मान नहीं रहा पाकिस्तान में आतंकवादियों की खुल के मदद कर रहा है वो। लेकिन सर, आपने एक बात और कही कि पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना करता है और भारत का बड़ा दुश्मन चाइना है और वो आंतरिक हमारे शांति को तोड़ना चाहता है। चाइना पर आप टारगेट कर रहे हैं और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो चाइना से बिल्कुल सटा हुआ है, राज्य बने 20 साल हो गए हैं। क्या चाइना को लेकर हम कम फोकस कर पाए, हम पाकिस्तान पर ज़्यादा फोकस कर पाए, इसलिए चाइना उत्तराखंड के टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है? देखिए, चाइना के विरुद्ध भी हमारी तैयारी कम नहीं है। जो तैयारी हम कर रहे हैं वो ओपन, खुले तौर पे नहीं आती। काफ़ी तैयारियां ऐसी हैं,
वो हालत नहीं है जो 1962 में थी। यदि चाइना ने कोई हरकत की, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमने इतनी भी तैयारी कर ली है, अगर जरूरत पड़े तो हम उसके ऊपर आक्रमक कार्रवाई भी कर सकते हैं। चाइना से हमें कोई डर नहीं है किसी तरह का, और चाइना तो भाई मदद करेगा ही, हर तरीके से उनकी मदद कर रहा है। उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी चाइना ने इनको दी, इनको न्यूक्लियर पावर बना दिया है, ठीक है ना। ये सोचना कि चाइना इनकी मदद नहीं करेगा गलत है, परवाह नहीं हमें, चाइना मदद करे, लेकिन ये हमारी देश की सुरक्षा के ज़रूरी है कि पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करें। अगर हमारे लिए ज़रूरी है कि चाइना का मुकाबला हम करें, करेंगे, लेकिन आवश्यकता एक बात की है, अपनी मिलिट्री तैयारियां पूरी करो और आर्थिक दृष्टि से देश को मजबूत करो। आप क्या मानते हैं जो 370 धारा हटाई गई उसके बाद भारतीय सांसदों को जो एक वहां जाने के लिए रोका गया और यूरोपियन सांसदों का डेलीगेशन आया और एक ऑरा बनाया गया कि ऑल इज वेल, आपके एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, क्या 370 हटने के बाद वाकई कश्मीर में ऑल इज वेल है? कश्मीर की हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और बिगड़ती जा रही थी, और इसका एकमात्र कारण 370 था, और 370 के कारण से कश्मीरी बिगड़ते जा रहे थे कि हमारे तो स्पेशल अधिकार हैं और इनको कोई ले नहीं सकता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मेरे विचार से 370 को हटाना बहुत ही अच्छा कदम भारतीय सरकार ने उठाया। नौ समस्या एक और बात है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कम से कम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तो इकट्ठे हों भाई, जो देश का हित है उसमें तो एक जमान से बोलें, लेकिन यहाँ तो अपोजिशन पार्टीज में इतना या तो एक्सपीरियंस नहीं है या इनकी इतनी ज़्यादा मेजोरिटी नहीं है, वो तो कोई भी इशू उठाते हैं एकदम से बलबाल उठते हैं। जो अपोजिशन पार्टी जो कश्मीर में जाना चाहती थी, उनका एकमात्र ध्येय एक ही था कि वहाँ की सिचुएशन देख करके अपने तरीके से जनता के सामने उसका उबाल करो कि सब कुछ जो हो रहा है गड़बड़ से हो रहा है। लेकिन वहाँ लोकल जो लीडरशिप है, चाहे वो अलगाववादी हों, चाहे हुर्रियत हों, दूसरे बड़े दल हों जिन्होंने सरकारें चलाई हैं वहाँ पे, चुने गए थे, उन लोगों को नज़रबंद करना और फिर मीडिया का बैन करना, सोशल मीडिया का बैन करना और फिर डेलीगेशन को बुलाना, क्या ऐसा नहीं उचित होता कि पूरा सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है उसमें और देश हमारा जानता कि वहाँ 370 हटने के अगले दिन क्या रहा? जो वहाँ पॉलिटिकल लीडर थे, हमने देख लिया उनका रवैया, वो केवल स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे, देश हित में कोई काम कर ही नहीं रहा था। और जितनी हालात बिगड़ी वहाँ पे, वो इन कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स के कारण से बनी। मैंने कश्मीर में 15 साल से भी ज़्यादा काटे हैं, खूब खुल के लोगों से मिला हूँ। आम आदमी कश्मीर के अंदर शांति से रहना चाहता है, वो किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहता, वो अपना गुजारा करता है, काम करता है। कश्मीर में बहुत काफ़ी गरीबी है, ये भी मैं आपको बता दूँ, जो बॉर्डर एरिया में कश्मीर के लोग रहते हैं वो नहायत ही गरीब हैं। अगर आप एक दिन कर्फ्यू लगा दें और वो बाज़ार के अंदर अपनी लकड़ी वगैरह नहीं बेच पाता तो उसके घर में चावल तक नहीं बनता है, इतनी गरीबी है। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स बने हुए थे कश्मीर के, दो तीन परिवार ही थे, फारूक अब्दुल्ला का परिवार था या मुफ्ती का परिवार था या तीसरा परिवार अभी ऊपर उभर के आ रहा है, इन तीन के अलावा चौथा परिवार ही नहीं था कश्मीर में, और उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया अपनी खुद की एम्पायर बनाने के लिए। 370 तो भाई अब्दुल्ला के कारण से आया था। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि इन्हें टेरर फंडिंग होती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आपने करीब से देखा है इन लीडरशिप को, क्या वाकई टेरर फंडिंग होती है पाकिस्तान के जरिए या आतंकवादी संगठनों के जरिए, क्योंकि पत्थरबाज तो हमारे कश्मीर के युवा ही बन रहे हैं। बगैर फंडिंग के कोई ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। जो उग्रवादी हैं या पत्थर फेंकने वाले नौजवान लड़के हैं, नौजवान लड़का कोई उसका कोई एम तो है नहीं, उसके सामने ध्येय तो रखा नहीं गया है, उसको पैसे दिए जाते हैं कहते भाई तू पत्थर फेंक दे, समझे कि नहीं, पैसे के लालच में वो पत्थर फेंकता है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और हमारे पास प्रूफ हैं इन चीज़ों के कि पाकिस्तान द्वारा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू इनकी फंडिंग हो रही है, पूरे प्रूफ हैं, और गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ गई है। आपने 15 साल पहले अपने एक बयान में ये कहा था, बच्चों के संग आप इंटरेक्शन कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। 15 साल पहले दिया गया आपका ये बयान,
आज 2019 चल रहा है, कश्मीर में 370 हट चुकी है, वो सामूहिक इच्छा शक्ति क्या आपको दिखती है कि वो हो चुकी है, सामने आ चुकी है या अभी भी कमी है? काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, काफ़ी हद तक, खास करके जो अपने डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड फोर्सेज हैं, पुलिस है, आर्मी है, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम जनता है, उनको एक ही धे के ऊपर लाना अभी काफ़ी काम करना बाकी है। देखिए, देश ये एक देश की समस्या है, किसी एक पॉलिटिकल ग्रुप की समस्या नहीं है। जब देश की समस्या है, पूरा देश को एक साथ उठना चाहिए। तो अमित शाह और मोदी जी की जो पॉलिसी कश्मीर को लेकर है, लद्दाख को लेकर है, आप उसके संग खड़े हैं? मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ और ठीक काम चल रहा है। सर, अब हम थोड़ा उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड को बने हुए 20 साल होने जा रहे हैं, हम राज्य स्थापना दिवस के जलसे को मना रहे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, सीमावर्ती जो हमारे ज़िले हैं वो खाली हो रहे हैं। और ये मोदी जी ने भी कहा कि पलायन रुकना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी हो, हमारे राज्य में बड़ी चुनौती रही है, जिससे कि चाइना हो, नेपाल हो और दूसरे नेबर हमारे कंट्रीज़ हों, वो चुनौती बन रहे हैं, उस पर हम काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? काम नहीं हो रहा, सारा का सारा अटेंशन कहीं दूसरी जगह पर है। पहाड़ी इलाकों पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। आने जाने के साधन सुधरें, रोज़ाना रोज़गार के साधन वहाँ सुधरें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएं, टूरिज़्म सुधरे। टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सोर्स बन रहा है। आप स्विट्ज़रलैंड में देखिए, स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन टूरिज़्म इतना ज़बरदस्त है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, लोग उसी से विकसित हो रहे हैं। यहाँ टूरिज़्म पे नाम के तौर पे हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा इतना ज़्यादा। टूरिज़्म बढ़ाया जाए, होम स्टे बढ़ाया जाए, पानी खूब है यहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाइए आप, लोगों को जॉब मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, डेवलपमेंट आएगा, लेकिन इस तरह का विजन बना नहीं है अभी तक, विजन की कमी है। सर, मैं सोशल मीडिया में आपके बारे में थोड़ा खंगाल रहा था, तो मुझे दो बातें बड़ी दिलचस्प लगी। एक तो आपने कहा कि यूज़ चाणक्य टिट फॉर टैट, ये आपने कहीं लिखा है, और दूसरा आपने लिखा है रोल ऑफ एक्स सर्विसमैन इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिचुएशंस। हमारा राज्य भी डिज़ास्टर से जूझता रहता है, केदारनाथ आपदा हो या और भी तमाम आपदाएं आती रहती हैं, सैन्य धाम है ये हमारा, यहाँ बहुत से एक्स सर्विसमैन भी हैं, किस तरह की सलाह आप देंगे सरकार को? देखिए, क्योंकि ये सैनिक राज्य है, हर एक परिवार से कोई ना कोई सैनिक है, 1 लाख से ज़्यादा सर्विंग सोल्जर्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, हर साल उत्तराखंड में 6 से 8 हज़ार आदमी रिटायर होके आ रहे हैं। एक फौजी आदमी जो रिटायर होके आ रहा है, उसके पास बहुत काफ़ी अनुभव है, हर तरह का अनुभव, मुश्किल इलाकों में काम करता है, ज़िंदा रहने की कोशिश करता है, लोगों की मदद करता है, उसके पास बड़ा अनुभव है। ये मत सोचिए कह रहा है ये तो फौजी आदमी है, उस फौजी के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस अनुभव का इस्तेमाल नहीं हो रहा बिल्कुल। होना क्या चाहिए हमारे राज्य में, क्योंकि 20 साल होने को जा रहे हैं, कई मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश ने देखे हैं, बड़े नेता देखे हैं जो दिल्ली में भी सियासत कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, राज्य में भी रहे हैं, दिल्ली में भी रहे हैं, क्या विजन की कमी आप इन 20 सालों में मानते हैं, विजन की कमी है या लोग करना नहीं चाहते? नहीं, विजन की कमी है, हर एक के दिमाग में इच्छा है मेरा प्रदेश सुधरे, भाई इच्छा के पीछे प्रयत्न नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। आप विजन रखें और विजन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें, बगैर प्रयत्न का काम नहीं होगा। एफर्ट की कमी है यहाँ पे, केंद्र सरकार भी मदद देने को तैयार है, मदद तो लोकल भी आ जाएगी, और मैं तो ये कहता हूँ उद्योगपति भी अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, यदि आप स्थिति ठीक करके रखें उद्योगपति आएंगे। लेकिन एक पिक्चर विजन राजनीतिक बना बैठते हैं, लेकिन प्रयत्न नहीं किया जा रहा, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ी कमी है। दर्शकों, आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक जी कश्मीर में बहुत लंबी सेवाएं दे चुके हैं, कश्मीर के बारे में बहुत जानते हैं, वहाँ के माहौल के बारे में, लोगों के बारे में, सिचुएशन और हालात के बारे में उनकी गहरी नज़र है, और आज भी यह खबरों में बने रहते हैं बाकायदा कश्मीर में क्या चल रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि
एक कश्मीरी एक्स सोल्जर मैन होने के नाते हमारे कैमरे के जरिए सीधे पाकिस्तान को ये क्या सुझाव देंगे, क्या चुनौती देंगे, क्या सलाह देंगे कि वो सुधरे, क्योंकि वो सुधर नहीं रहा है और खुद उसके घर के हालात बिगड़ चुके हैं। सर, आप क्या सलाह देंगे पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री को जो आज अपने ही घर में कैद हो चुके हैं, बड़ा आंदोलन उनके सड़कों पर वहाँ पर हो रहा है इस्लामाबाद लाहौर में, क्या सलाह देंगे कि वो कश्मीर को लेकर अपनी ये रट, जिद या ये जो आतंक फैलाने की जो मंशा है उस पर कैसे काबू पाएं? देखिए, पाकिस्तानी राजनीतिक नेताओं को सलाह तो बहुत दी जा चुकी है, मेरे ख्याल से कोई सलाह काम नहीं करेगी। उसका ध्येय बना हुआ है कि भारत को तंग करना है और कोई रास्ता नहीं है। मेरे विचार से तो पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। माफ़ करना, मैं तो इतने दिन से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के साथ इतना दो तीन चार लड़ाइयाँ लड़ बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने का तरीका क्या है? बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने का तरीका तो देखिए, मनोवैज्ञानिक भी है कि उसको देखें भाई क्यों बिगड़ा, किस रास्ते पे बिगड़ा जा रहा है, सुधार का भी रास्ता है। पाकिस्तान से संबंधित अगर मैं देखा जाऊँ तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाए जाए, जब लोग सुधर जाएंगे तो तूफान उठ सकता है कि हम ये बर्दाश्त आगे नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल पिछड़ गए, हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे लग गया। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े। लेकिन हमारे देश में तो खेल भी बंद है, व्यापार पे भी असर पड़ता रहता है, प्याज भी हमारे देश में आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करने की बात तो करते हैं लेकिन डिप्लोमेसी वहीं आड़े आ जाती है, कैसे मुमकिन है ये? आपने मेरे से सुझाव मांगा है तो डिप्लोमेसी को भी रास्ता बदलना पड़ेगा, लिमिटेड डायलॉग करना पड़ेगा। बगैर डायलॉग के तो कोई समस्या सुधर नहीं सकती। लेकिन समस्या ये है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हट रहा। अगर वो कुछ इंडिकेशन दे कि भाई मैं मदद नहीं करूँगा तो कॉन्टैक्ट भी हमारा हो सकता है, बातचीत भी हो सकती है, लेकिन आर्मी नहीं होने देगी। मैं आपको बताऊँ, जब तक हम आर्मी को ये नहीं बता देते कि देखिए यदि आप रास्ते पर नहीं आएंगे तो फिर बांग्लादेश बनेगा यहाँ पे और तुम्हें हम तोड़ के मानेंगे। एक बार आर्मी को समझ में आ गई कि भाई ये मानेंगे नहीं, आर्मी भी रास्ते में आ जाएगी। मेरे एक विचार से तो हमें अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिए, हमें अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ानी चाहिए, पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। जितने भी इनके अड्डे हैं, कहीं भी आंतरिक अड्डे हों, उनकी ठुकाई हो अच्छी तरह से, जैसे इसराइल कर रहा है। भाई इसराइल छोटा सा देश है लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को उन्होंने दबा के रखा हुआ है। जहाँ भी पता लगता है कि आतंकवादी यहाँ हैं जो हमारे खिलाफ काम करेंगे, खट जाके उनके ऊपर रेड करते हैं, चाहे हवाई जहाज से हो या फिजिकल ट्रुप्स उतार के करते हो। हमें भी पॉलिसी अपनानी है कि जहाँ भी आतंकी इकट्ठे होंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं। बातों का सिलसिला तो बहुत लंबा चलेगा क्योंकि बड़ा लंबा अनुभव ओपी कौशिक जी का कश्मीर को लेकर है, पाकिस्तान पे इनकी अच्छी खासी पकड़ है कि वो जानते हैं उसके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए। कई सलाह दी उन्होंने, उन्होंने कहा उसे ठोको भी, काटो भी और उसे बांटो भी और उसे टुकड़े कर दो। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला करती है, करना तो सरकार को है। आज की इस खास मुलाकात में इतना ही। मेरे कैमरामैन सहयोगी इमरान खान और साजिद अली के संग मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।